बताई हो हम का ये जान चलता मन में। वेलकम है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन इस राज्य के कुछ ऐसी अनोखी बातें हैं जिन्हें शायद आप ना ही जानते हो। तो आइए जानते हैं भारत के सबसे अलग राज्य बिहार के बारे में। दोस्तों, बिहार और बिहारी किसी परिचय के मोहताज नहीं। बिहार में माँ सीता की भूमि है। बिहार गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। बिहार वो राज्य है जिसे प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बिहार का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि भारत का। यहाँ मौर्य और चंद्रगुप्त जैसे शासकों ने शासन किया है। माना जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध विहार के विहार शब्द से लिया गया है, जिसे बाद में बिहार नाम दे दिया गया। 94,163 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा का पूरा बिहार फैला हुआ है। उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है ये राज्य। 1912 में बंगाल के विभाजन में बिहार अस्तित्व में आया था। सन 1935 में उड़ीसा और सन 2000 को झारखंड को बिहार से विभाजित कर दिया गया था। बिहार वो राज्य है जो भारत के इतिहास और राजनैतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और बिहार शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक दृष्टि में उतना ही समृद्ध है जितना पहले था। यहाँ की ऐतिहासिक नगर वैशाली को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। इस ऐतिहासिक नगर का उल्लेख महाभारत में भी देखने को मिलता है। साथ ही जैन और बौद्ध धर्म में भी इस नगर का खास स्थान है। बिहार में भारत का सबसे पुराना मंदिर है जिसका नाम मंडेश्वरी है। अहिंसा की अवधारणा बिहार की ही देन है। मानव जात की भलाई के लिए इतिहास का सबसे आकर्षक विचार यहीं की देन है। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने 2600 साल पहले अहिंसा की अवधारणा विकसित करी थी। दोस्तों, बिहार बौद्ध और जैन धर्म के जन्म स्थल भी हैं। बिहार शब्द संस्कृत शब्द विहार से लिया गया, जिसका अर्थ होता है निवास। गुरु गोविंद जी की जन्मभूमि भी बिहार में ही है। बिहार सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है। सिखों का पवित्र स्थान हर मंदिर तख्त पटना में ही मौजूद है। वैदिक काल में बिहार व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, सख प्रदेश, बिजाजी, चनक आदि उस समय के शहर थे जो बिहार में ही थे। दोस्तों, बिहार ज्ञान का केंद्र भी है। प्राचीन काल में यह राज्य शिक्षा, संस्कृति और शक्ति का बड़ा केंद्र था। नालंदा यूनिवर्सिटी को विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज बिहार में ही है। बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज 20 किलोमीटर की दूरी तक स्थापित किया गया है, जो बिहार की राजधानी पटना में मौजूद है। दोस्तों, छठ महापर्व बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। यह त्योहार वैदिक काल से ही मनाया जा रहा है। इस त्योहार में सूर्य और छठी मैया की आराधना करी जाती है। साथ ही यह त्योहार बिहार की संस्कृति की पहचान भी है। दोस्तों, बिहार के लोगों को गणित में काफी माहिर माना जाता है। ये बात साबित होती है IIT से। बिहार को IAS और IPS बनने की फैक्ट्री भी माना जाता है। बिहार से सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स निकलते हैं। दोस्तों, बिहार का लिट्टी चोखा बेहद ही लजीज खाना है, जिसे आप बिहार के किसी भी दुकान या घर में खा सकते हैं। इसके अलावा जितना लजीज इनका खाना होता है, उतना ही मजेदार इनकी भाषा होती है, जिसे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। जिनके कुछ एग्जाम्पल है गैंग ऑफ वसेपुर, गंगाजल और PK। तो दोस्तों, अगर आपको बिहार का हमारे ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।